जैसे जैसे टेक्नोलॉजी में इम्प्रूवमेंट्स हो रही है, वैसे ही इंटरनेट यूज करने वाले लोगों की भी संख्या बढ़ती जा रही है। भले ही कोई देश कितना भी पिछड़ा हुआ हो, कम से कम वहाँ इंटरनेट का इस्तेमाल करने वाले लोग होते ही है। इंटरनेट इस्तेमाल करने वाले भी कई तरह के लोग होते हैं। कुछ अपने एंटरटेनमेंट के लिए इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं, तो कुछ पैसे कमाने के लिए इंटरनेट का अच्छे से इस्तेमाल करना जानते हैं। इंटरनेट एक तरह से किसी भी शहर में इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा देने के काम आता है। जाहिर सी बात है कि जैसे जैसे किसी देश में इंटरनेट यूजर्स बढ़ेंगे, वैसे वैसे वहाँ डेवलपमेंट की रफ्तार बढ़ेगी, भले ही वो देश इंडिया, चाइना या अमेरिका ही क्यों न हो। आज हम इन्हीं देशों के इंटरनेट यूजर्स को कंपेयर करेंगे। इस देश के लोग कौन सी चीज सबसे ज्यादा सर्च करते हैं, टोटल नंबर ऑफ इंटरनेट यूजर्स किस कंट्री में है, कितने हैं और कौन सा नेटवर्क ये यूजर्स सबसे ज्यादा यूज करते हैं, आज हम इन सभी चीजों के बारे में जानेंगे। तो मेरे साथ वीडियो के आखिर तक जरूर बने रहिए। मैं हूँ आपकी होस्ट और दोस्त नताशा और आप देख रहे हैं इंडिया टॉप फैक्ट्स। नंबर वन, इंट्रोडक्शन। इंडिया में इंटरनेट की शुरुआत 1986 में हुई थी, लेकिन उस वक्त केवल एजुकेशनल और इंस्टीट्यूशनल पर्पसेस के लिए ही इंटरनेट का इस्तेमाल किया जाता था। 15 अगस्त 1995 को इंटरनेट को पब्लिकली यूज करने की परमिशन सरकार ने दे दी, जिसके बाद से अब तक इंडिया में इंटरनेट फैसिलिटीज में काफी इम्प्रूवमेंट्स हुए हैं। 25 ईयर्स के बाद अब ऐसी कोई जगह नहीं है जहां इंटरनेट की सुविधा गवर्नमेंट ने न दी हो। 2016 में जब जियो ने पूरे इंडिया में फ्री इंटरनेट देने का फैसला किया, तब इंटरनेट यूजर्स में काफी बढ़ोतरी हुई। जियो के इस फैसले से बाकी कंपनीज को भी अपने इंटरनेट के प्राइसेस, जो कि पहले बहुत ज्यादा थे, कम करने पड़े। वहीं चाइना में इंटरनेट की शुरुआत पहले ट्रायल के तौर पर 1989 में हुई थी। उसके बाद 1994 में इंटरनेट को परमानेंटली सबके लिए खोल दिया गया। जैसा कि चाइना की गवर्नमेंट ने अनुमान लगाया था कि 1994 में इंटरनेट यूजर्स की संख्या लगभग 0% थी, यही नंबर 2009 तक 28.8% हो गई। इसके बाद से अब तक चाइना में सबसे ज्यादा इंटरनेट यूजर्स हैं। भले ही चाइना में इंटरनेट सबके लिए अवेलेबल हो, लेकिन चाइना की गवर्नमेंट ने कई वेबसाइट्स को ब्लॉक करके रखा हुआ है। 2009 में चाइना ने गूगल की वेबसाइट यूट्यूब को बंद कर, जिसके बाद से गूगल की सारी सर्विसेज पूरी तरह से बैन कर दी गई। यहां तक कि फेसबुक भी चाइनीज गवर्नमेंट द्वारा बैंड है। अगर ये वेबसाइट्स आपको खोलना है तो वीपीएन का इस्तेमाल करना पड़ेगा। वहीं अमेरिका में इंटरनेट की शुरुआत अर्पानेट ने 1960 में की थी। अर्पानेट यूएस डिफेंस एजेंसी का एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी है। अमेरिका में इंटरनेट की खोज की गई थी। इंटरनेट एक ऐसा इन्वेंशन है कि किसी एक आदमी को इसका क्रेडिट देना बहुत ही मुश्किल है। बाकी देशों के कंपैरिजन में अमेरिका में इंटरनेट के प्राइसेस काफी ज्यादा है। इसकी मेन वजह इंटरनेट प्रोवाइड करने वाले प्रोवाइडर्स में कम कॉम्पिटिशन है। नंबर टू, नंबर ऑफ यूजर्स नाउ एंड इन फ्यूचर। रिपोर्ट्स के मुताबिक इंडिया में इंटरनेट यूज करने वाले लोग की संख्या 687.6 मिलियन बताई गई थी। इतना ज्यादा नंबर होने के बावजूद इंडिया की केवल 50% लोग ही इंटरनेट का इस्तेमाल कर पाते हैं। इसका सबसे मेन कारण है इंफ्रास्ट्रक्चर में कमी। इंडिया में कई विलेजेस हैं जहां अब तक मोबाइल टावर्स भी नहीं पहुंच पाए हैं। अगर मेजर सिटीज की बात करें तो गोवा स्टेट में 82.9% लोगों को इंटरनेट अवेलेबल है, जो कि पूरे इंडिया में सबसे ज्यादा है। अगर सबसे ज्यादा इंटरनेट यूज करने वाली सिटी की बात करें तो मुंबई में 2019 तक 11.7 मिलियन लोग इंटरनेट का यूज कर रहे थे। एक डाटा के अनुसार 2025 तक इंडिया में इंटरनेट यूज करने वाले लोगों की संख्या 1 बिलियन तक चली जाएगी। वहीं 2020 के एंड तक चाइना के 989 मिलियन लोग इंटरनेट का इस्तेमाल करते थे, जो कि पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा है। अगर हम परसेंटेज की बात करें तो 70.4% लोग इंटरनेट का यूज करते हैं। चाइना के अर्बन एरियाज यानी कि डेवलप्ड सिटीज में 68.7% लोग इंटरनेट का यूज करते हैं। वहीं लेस डेवलप्ड जगह यानी रूरल एरियाज में 31.3% लोग इंटरनेट का यूज करते हैं। चाइना में इंटरनेट इस्तेमाल करने वाले लोगों की संख्या 2025 तक 1.14 बिलियन तक पहुंच जाएगी। वहीं अमेरिका में इंटरनेट इस्तेमाल करने वाले लोगों की संख्या लगभग 312 मिलियन है। जनवरी 2021 की एक डाटा के मुताबिक अमेरिका की 90% पॉपुलेशन इंटरनेट का यूज करती है। नॉर्थ अमेरिका में सबसे ज्यादा 74% लोग इंटरनेट का यूज करते हैं। अनुमान लगाया जा रहा है कि 2025 तक अमेरिका के 450 मिलियन लोग इंटरनेट का इस्तेमाल करेंगे। नंबर थ्री, मोस्ट सर्च वर्ड्स ऑन इंटरनेट। गूगल के सर्च डाटा के मुताबिक इंडिया के सबसे ज्यादा सर्च किया गया वर्ड वीडियो, क्रिकेट और ऑनलाइन लॉटरी था। वहीं चाइना में बाइडू नाम के सर्च इंजन का इस्तेमाल किया जाता है। उसके मुताबिक पैंडेमिक वर्ड 2020 में चाइना का सबसे ज्यादा सर्च किया गया वर्ड था। वहीं अमेरिका का सबसे ज्यादा सर्च किया गया वर्ड 2020 में कोरोना वायरस और इलेक्शन रिजल्ट था। नंबर फोर, एवरेज डाटा कंजम्पशन। इंडिया में एवरेजली एक इंसान महीने में 13 GB इंटरनेट का यूज कर लेता है। करीब 6 सालों में इंटरनेट यूज करने वाले लोगों की संख्या 76% से बढ़ गई है। वहीं चाइना में ऑन एवरेज एक इंसान 22 GB इंटरनेट यूज करता है।
2015 के मुकाबले इंटरनेट यूज करने की संख्या 136% बढ़ गई है। वहीं अमेरिका में एक इंसान लगभग 30 GB इंटरनेट का हर महीने इस्तेमाल करता है। एक स्टैटिस्टिक्स के हिसाब से नॉर्थ अमेरिका में 2025 तक एवरेज इंटरनेट कंजम्पशन 50 GB तक पहुंच जाएगा। नंबर 5 मोस्ट विजिटेड वेबसाइट्स। इंडिया में लोगों ने इंडियन टाइम्स नाम का वेबसाइट सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया था। ये एक न्यूज, आर्टिकल्स और एंटरटेनमेंट वेबसाइट है। इसके बाद फ्लिपकार्ट, जो कि ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट है, सबसे ज्यादा यूज किया गया था। वहीं चाइना के लोग बाइडू वेबसाइट को सबसे ज्यादा यूज करते हैं। ये वेबसाइट बिल्कुल गूगल की ही तरह है। और अमेरिका के लोग सबसे ज्यादा गूगल यूज करते हैं। तो दोस्तों, आप कौन सी वेबसाइट ज्यादा सर्च करते हैं हमें कमेंट कर जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करें, और पसंद नहीं आया तो डिसलाइक करें।